भले ही धन की सहायता से जीवन की हर खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि जीवन में आने वाली खुशियों का आनंद उठाने के लिए धन की महत्ता को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। आज के हालातों के मद्देनजर तो धन की आवश्यकता को किसी भी हाल में नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। अगर आपके पास धन की कोई कमी नहीं है तो आप हर खुशी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, अन्यथा कुछ अधूरा तो रह ही जाता है। हर किसी की इच्छा होती है कि उसे अपने जीवन में कभी कोई भी धन की कमी ना हो, और इसके लिए वो बहुत मेहनत भी करता है। कई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम मेहनत में ही सब कुछ पा जाते हैं। अगर आपकी गिनती उन्हीं लोगों में से होती है जो अभी तक धन की आस लगाकर बैठे हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे शास्त्रीय उपाय या फिर ऐसी बातें बताएंगे जो आपके धन की समस्या को सुलझा सकते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति देवी लक्ष्मी की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करता है, पूरे विधि विधान के साथ उनकी आराधना करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। वहीं चावल को शुक्र ग्रह के संबंधित बताया गया है। शुक्र ग्रह ही जीवन में भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूजा में चावल के प्रयोग करना शुभ होता है। लक्ष्मी पूजा में प्रयोग किए गए चावल के 21 दाने किसी लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में रखते हैं तो आपका पर्स कभी खाली नहीं रखता। आपको शुक्र ग्रह और देवी लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पत्ते में भगवान विष्णु का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पत्ते पर केसर से श्री लिखकर अपने पर्स में रखने से धन लाभ होता है। जबकि आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि इस पत्ते को समय समय पर बदलते रहें और साथ ही इसे अपने पर्स के ऐसे जगह पर रखें जहां किसी की नज़र उस पर ना पड़े। बुध ग्रह की शांति और प्रसन्नता के लिए किन्नरों को दान करने का विधान है। साथ ही ये भी माना जाता है कि किन्नरों को दिया गया दान अक्षय होता है, उसका पुण्य आपको आजीवन मिलता रहता है। लेकिन किन्नर कभी अपनी ओर से किसी को भी पैसे नहीं देते हैं, लेकिन कभी आपको किसी किन्नर ने खुशी से कोई सिक्का दे दे तो उसे एक कपड़े में लपेटकर अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपना पर्स और चाबी टेबल पर रखते हैं उनके पास हमेशा धन की तंगी रहती है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को खुली जगह पर ना रखकर किसी सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए। अगर आप किसी गुरु के प्रति आस्था रखने हैं तो उसकी तस्वीर अपने पर्स में जरूर रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी धन संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी। अगर कोई समस्या आई भी है तो उसमें भी आपको आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।